ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकल रही थी, नल्लड़ मंदिर के पास उसको पहुंचना था, बस थोड़ी ही दूर पर यह सब चालू हो गया। लेकिन ये हुआ कैसे और वहाँ एक्चुअल स्थिति क्या थी, प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जॉन्टी ठाकुर। मैं एक्चुअली एक हिंदू समुदाय से बिलोंग करता हूँ और मैं एक स्नैक कैचर भी हूँ। स्नैक कैचर मतलब सांप पकड़ते हैं? सांप पकड़ते हैं। वहाँ नल्लड़ मंदिर क्या करने गए थे? नल्लड़ मंदिर में हमारी शोभा यात्रा थी, हम शोभा यात्रा में गए हुए थे वहाँ पे। तो जो हुआ हादसा बहुत दर्दनाक था, बहुत भयानक हादसा था, जिसके बारे में मैं जितनी भी कहना चाहूँ उतनी ही कम है। कैसे बचे आप, क्या स्थिति थी वहाँ उस समय की? सर स्थिति तो इतनी ख़राब थी कि मुस्लिम समुदाय के जितने लोग थे, मतलब उनका प्री प्लान पहले से था, जब से था कि अपना मामन जी हैं, अपना विधायक जी हैं वहाँ से, मामन खान, उन्होंने जब से बयान दिया संसद में, जब से ही इनको ना थोड़ा बढ़ावा मिल गया मुस्लिम समुदाय के लोगों को। अब इन्होंने पहले ही ऐलान कर रखा था, विधानसभा में दिया होगा, विधानसभा में मतलब इनको वो दिया था, तो इन्होंने वही एक चीज़ टारगेट कर रखी कि हमारे विधायक जी ने हमें बोल दिया, हमारे आका ने, कि हम प्याज की तरह जो हिंदू समुदाय के लोग हैं आप आके देखना हम कुचल देंगे, फलाना ठिकाना ये वो। तो उसी चक्कर में इन्होंने टारगेट बना लिया हिंदुओं का, जो हमारी शोभा यात्रा वहाँ से। वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ? सर वहाँ पे ये हुआ, जो शोभा यात्रा के दौरान इन्होंने क्या करा, गाड़ी आगे पीछे लगा ली, डंफर लगा दिए रोडों पर, और पथराव इतना तगड़ा पथराव था कि मतलब किसी की तो शीशे मोगे गाड़ी में सीधी पार जा रही हैं, बहुत बड़े बड़े भाटे ऊपर तक फेंके जा रहे, बहुत लोग पत्थर, हाँ जो पत्थर जो पहाड़ी पत्थर होते हैं वो वाले तिकोने कलर के 4x4 के, ऐसे बहुत तगड़े पत्थर थे, गाड़ियों पे फोड़ रहे हैं, कम से कम 272 गाड़ी करीब तो चकनाचूर कर दी, जला दी बिल्कुल। और जब उसके शोभा यात्रा के बाद कुछ लोग भगे खेतन में, तो उनमें पानी भर रहा था, उनमें मारे गए, कुछ लेडीज वगैरह उनके साथ अभद्रा का बहुत ज़्यादा अभद्रता करी है, बच्चों के साथ मारा पीटी करी है, कईयों के हाथ तोड़ रखे हैं, कई रेफर कर रखे हैं PGI रोहतक में, कुछ नू में भी हैं, ताबड़ू में भी हैं, बहुत सारे लोग जिनकी गाड़ियां जलाई हैं, 20-22 गाड़ियां, जो एक साथ काफिला उनका आया था हमारा हिंदू समुदाय के लोगों का, महेंद्रगढ़ से आया था, उनका बहुत बुरा हाल कर रखा है, काफ़ी बहुत ज़्यादा चोटें हैं। मतलब लोग थे वो सब? सर लोग तो तादाद तो ज़्यादा थे, समथिंग होंगे वो 3,500 लोगों कम से कम होंगे मेरे मायने में, क्योंकि क्योंकि वहाँ क्या था एक्चुअली, देखो आप दिखाना चाहूँगा मैं कैमरामैन से, आप एक बार दिखाओ पीछे। तो आप जो स्थिति बता दो एक बार। हाँ मैं बताता हूँ इस चीज़ को, कि काफ़ी ऊंचे तो सर वो है पहाड़ है वहाँ पे, पहाड़ी जो हमारी जो नल्लड़ मंदिर है वो तीनों पहाड़ों के बीच में है, आगे से रोड है, पीछे से पहाड़, दोनों साइडों से फायरिंग इतनी तगड़ी थी कि आप देख लो कि 1 किलोमीटर की दूरी से वो फायरिंग कर रहे हैं, तो आप भी जानते हो चाहे तो वो देसी कट्टा हो या बोलते हैं पिस्टल हो, तो इतनी दूर तो फायरिंग इतनी दूरी 1 किलोमीटर तक नहीं आ सकती, या तो आधुनिक हथियार इतने तगड़े थे उनके पास कि जैसे AK-47 वगैरह, मतलब दीवारों में भी काफ़ी 2-2, 2.5-3 इंची मतलब गड्ढे हो रहे हैं वहाँ मंदिरों की दीवारों में, इतनी तगड़ी मतलब ऊपर से गोलीबारी करी गई है और मंदिरों के अंदर भी गोली लगी है। अच्छा आप बोल रहे हैं तीनों तरफ पहाड़ था, पहाड़ थे, बीच में नीचे मंदिर था, मंदिर था, सामने ऊपर से गोलीबारी हो रही थी, तीनों साइडों से गोलीबारी कंटिन्यू, सर पहाड़ पे पत्थर थे ऊपर से और गोलीबारी कंटिन्यू होती रही है। अब ये लगा लो कि 11-12 बजे हमला शुरू हुआ है, मतलब इन्होंने किया है गोलीबारी की और रात को 9 बजे तक भी धड़ाधड़ गोलीबारी हुई है, तो इनके पास इतना असला आया कहाँ से? आप बताओ, कुछ ना कुछ तो मतलब राजनीति है पीछे, विधायक का हाथ है, किसका हाथ है हम तो नहीं कह सकते इस चीज़ को, मामन खान जो अपना बयान दे चुके हैं, कहा जा रहा है कि मोनू मानो सर का आना था वहाँ पे, उसकी वजह से ऐसा लोग बोल रहे हैं। देखो मैं आपको कहना चाहूँगा, मोनू मानो सर को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है, क्या वहाँ पे जो अभी हिंसा हुआ था बंगाल में, क्या वहाँ माने सर था, मोनू मानो सर था? आप बताइए, नहीं था ना? क्या ये नजफगढ़ में और नागलोई में हुआ है, यहाँ मोनू मानो सर था? एक आदमी को आपने वीडियो बनाया था कि मैं आऊँगा, लेकिन आया नहीं, पर वो नहीं आया, मोनू मानो सर तो नहीं आया अभी तक भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, नेट बंद है, मोनू मानो सर नहीं आया वहाँ पे। हाँ जब मोनू माने सर था ही नहीं, तो जो जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको क्यों टारगेट बनाया, किस लिए बनाया आप लोगों ने, बताइए उन्होंने क्या बोला था? ये वहाँ पर आपने कहा कि मंदिर के अंदर महिलाएं भी थीं, महिलाएं समथिंग 1200-1500 महिलाएं थीं, जिनके चोट भी लगी है, घायल भी हुई हैं, जो 1200 जितनी लेडीज महिलाएं थीं, 2500 आदमी थे उनके काफिले को, रात ने पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, आए तो लेट लेकिन उन्होंने ही रात में निकाला है जितने भी लोग थे फंसे हुए थे, उसके बाद भी उन्होंने ताबड़तोड़ पुलिस पे भी फायरिंग करी है, एक साइबर सेल का थाना जलाया है उन्होंने नू में, पुलिस का तो खौफ ही नहीं है सर उनको बिल्कुल भी। आप भाग के कैसे आए, कैसे बचे, आपने कुछ लोगों की जान बचाई क्या? सर काफ़ी लोगों की जान बचाई, जितने भी अपने लोग थे उनकी जान बचाई है, उनको भीतर कराया है,
जब गोली आ रही है तो वहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी छोटे बड़े उनको गोली भी लगी है, लेडीजों को भी गोली लगी है जो पीजीआई रोहतक में एडमिट है। आप शोभा यात्रा हर साल जाते हो? सर शोभा यात्रा हर साल निकलती है हमारी हिंदू समुदाय की, कोई आज नया नहीं है, लेकिन इन्होंने एक जो दो लड़के जो मुसलमान के कहीं पे जला दिए थे, हमें नहीं पता किसने, नासिर और जुनैद भिवानी के पास घटना हुई थी, वो सुनी थी सिर्फ, हमने सिर्फ सुनी थी, हमें तो इस चीज़ को भी नहीं पता है, लेकिन जब इनको जलाया गया है उसकी इन्होंने एक खुनस बोलते हैं ना हिंदी भाषा में, वो अपने दिमाग के खुनस जो अपने दिमाग में लगा रखी थी कि कैसे भी हम बदला लेंगे, ये तो प्री मतलब क्या बताऊँ कि मतलब प्री प्लानिंग थी इनकी टोटल कि ये शोभा यात्रा निकालेंगे और इनके साथ ऐसा करो। फिर बच्चे और महिलाएं बची कैसे? सर एक तो देखो खुद के लोग बाग आए हैं इधर उधर से, फिर पुलिस प्रशासन आया है, पुलिस प्रशासन ने हमें काफ़ी मदद करी है, जितना भी पुलिस प्रशासन जब वहाँ पे पहुँचा है, जब हम वहाँ से निकल के आए, कुछ लोग पुलिस के आला अधिकारी बहुत थे, गाड़ियाँ भी थी, सब कुछ थे, उसके बाद निकले हैं वहाँ से। सर वहाँ तो अब कर्फ्यू लगा दिया गया, ऐसी स्थिति है वहाँ पे सर, 144 धारा भी लगा रखी है, कर्फ्यू भी लगा रखा है, और पुलिस प्रशासन भी बहुत, इंटरनेट भी बंद है, और पुलिस के अपने आर्मी वाले भी जवान बहुत सारे पहुंच चुके हैं वहाँ, और पुलिस फोर्स भी बहुत ज़्यादा। कब आए, कब वहाँ से निकले बाहर, मतलब अभी यहाँ, अभी तो आप बाहर आ गए हो? हाँ, हम कल की रात आए थे जब वहाँ से। यहाँ रहते कहाँ पर हैं? यहाँ गुड़गांव में, गुरुग्राम में रहते हैं। यस जी, यहीं पर आप स्नैक पकड़ने का काम करते? मेरा हाँ स्नैक कैचर का काम है, वो अपना गुड़गांव के अंदर है, मेरी कॉल आती है गूगल से, वन्य विभाग से, वर्ल्ड वाइल्ड की तरफ से कॉल आती है, मैं जब जाता हूँ सर पकड़ने के लिए, और एनी टाइम 2 बजे, रात को 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, कभी भी, मैं रात के 2 बजे भी जाता हूँ, दिन में भी जाता हूँ, रात में भी जाता हूँ, अभी आपके आगे कॉल है जस्ट। वहाँ ऐसा तो नहीं कि किसी ने कुछ उकसाया हो, ऐसा तो नहीं घटना घटी वहाँ पर सर जुलूस में? देखो ऐसा तो नहीं। मैं कहना चाहूँगा आपके टीवी न्यूज़ के माध्यम से, उकसाना तो देखो सर एक क्या है, जब किसी को एक पीछे बैक मिल जाती है ना कि हम तेरे साथ हैं, तुझे करना है वो कर, जो अपने मामन खान है उन्होंने बयान दे चुके हैं पहले ही संसद में कि अगर कोई भी हिंदू समुदाय का लोग आएगा, मोनू मानेसर आएगा, तो प्याज की तरह मसल दिया जाएगा, तो उनको उनके आका ने बोल दी, उनको पूरा बढ़ावा मिल गया तो वो तो करेंगे ही, पक्ष विपक्ष, लेकिन उसी की वजह से तो है, दोनों तरफ में वो है। और अच्छा ये कहा जा रहा है कि जब इतनी बड़ा जुलूस था तो इतनी ज़्यादा इंतज़ाम क्यों नहीं किए गए थे सिक्योरिटी के, ऐसा कहा गया, आपको लगा वहाँ पे सिक्योरिटी कम थी? देखो सिक्योरिटी के मामले में मैं कहना चाहूँगा, सिक्योरिटी के मामले में अगर सिक्योरिटी जो आज है वहाँ, जो कल थी वहाँ, अगर यही परसों होती तो शायद ये हादसा इतना बड़ा नहीं होता। कहीं ना कहीं सरकार की भी मैं गलती बताना चाहूँगा इस चीज़ में कि सरकार अगर काश पहले जाग जाती इस चीज़ में, जो आर्मी पुलिस अंदेशा नहीं कर पाई सरकार की, इतना जी, इतनी बड़ी घटना हो सकती है या इतनी गोलीबारी हो सकती सरकार है, सरकार भी इसी बहम में रहेगी, इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, शायद हो सकता है इतनी जनता ना हो। कितनी जनता थी वहाँ पर पूरी? सर जनता तो मैं क्या बताऊँ कि लाखों की तादाद में थी। अच्छा, हिंदुओं की जनता लाखों की तादाद में थी। किस कितने यात्रा कहाँ से कहाँ जाने वाली थी? शोभा यात्रा जाती सर नूह से, और नूह के रास्ते से निकलते हुए अलवरवाड़े रोड से नलहट तक जाती है मंदिर तक शोभा यात्रा, और सर ये हर साल जाती है, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार गई है, हर साल ही जाती है, हर साल। नलहड़ मंदिर ही क्यों, वहाँ ऐसा क्या है? नलहड़ मंदिर में हमारे जो अभिषेक हुआ, जलाभिषेक हुआ था, हमारे जो पांडव थे उन्होंने आके वहाँ पूजा अर्चना करी थी, वहाँ श्री कृष्ण हमारे भगवान आए हुए थे, जब से उन्हें मान्यता प्राप्त है वहाँ इसलिए जाते हैं सर वहाँ पे। प्राचीन मतलब पांडवकालीन मंदिर है वो? पांडवकालीन मंदिर है सर वहाँ पे, बहुत पुराना मंदिर है, इस कारण वहाँ पे जाते हैं, इसलिए जाते हैं। जी जी, तो अभी तो ये बात तो अच्छी है कि आप कम से कम वहाँ बचकर आ गए, और बाकी लोगों को ताकतें हैं जो नहीं चाहती भारत का भाईचारा बना रहे, भारत जो प्रोग्रेस कर रहा है वो चलती रहे, वो ताकतें नहीं चाहती है, इसीलिए जब इलेक्शन आता है उस समय ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्शन सेंटिमेंट से मोबिलाइज होता है, लोग मोबिलाइज होते हैं उससे, सेंटिमेंट लोगों का चेंज होता है, और इस दौरान घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि चाहे कुछ हो जाए हमको एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए, वो कहते हैं ना कि गुलदस्ता है ये, तुम ही हो तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, चमन में सारे फूल रहना चाहिए, तभी ये भारत अच्छा लगता है।